जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव उषा प्रकृति जल और वायु को समर्पित है। अगर हम देखें तो इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके अच्छे फ्यूचर और लाइफ में उनकी खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी इस व्रत को करता है उसको सैकड़ों यज्ञ करने जितना फल मिलता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी व्रत रखते हैं। छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि पहले उत्तरी भारत की तरफ मनाया जाता था, अब ये चलन बहुत बढ़ गया है बाकी शहरों में भी। यहाँ तक कि फॉरेन में भी लोग जो होते हैं, जो बिहार या उत्तर बिहार की तरफ से होते हैं, वो वहाँ भी छठ पूजा करते हैं क्योंकि इसका महत्व ही इतना है। अब बहुत ही जल्द छठ पूजा की शुरुआत होने वाली है, 4 दिवसीय। जैसे नवरात्रि 9 दिनों की होती है, वैसे ही छठ पूजा 4 दिवसीय त्यौहार है। आज मैं आपको इस वीडियो में उसके डेट्स बता देती हूँ ताकि आप जो है तैयारियाँ पहले से करके। तो इस साल छठ पूजा में सबसे पहला दिन जो होगा वो है 28 अक्टूबर को, नहाए खाए होगा। इस दिन नहाए खाए से छठ पूजा का प्रारंभ होता है। दूसरा दिन यानी खरना 29 अक्टूबर को शनिवार को है। इस दिन शाम के समय गुड़ की खीर बनाते हैं और रोटी से व्रती जो है पूरे दिन फास्ट करने के बाद रात को अपना व्रत खोलती हैं। पहला जो संध्या अर्घ जिसे कहते हैं वो है 30 अक्टूबर रविवार को। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, पानी में खड़े होकर जो व्रती होती हैं अर्घ देती हैं, ये शाम के वक्त होता है। अब लास्ट जो इसका डे होगा वो है उषा अर्घ, यानी कि 31 अक्टूबर सोमवार के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, छठ पूजा का समापन होता है, व्रती जो है वो पारण। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको डेट्स बता दिए। बहुत ही जल्द, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि छठ पूजा पे एक खास वीडियो बनाइए, तो मैं बहुत ही जल्द आपको चारों दिन के बारे में एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें बताऊंगी पहले दिन में क्या करते हैं, दूसरे दिन में क्या करते हैं, तीसरे दिन में क्या करते हैं, चौथे दिन में क्या करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है इस फेस्टिवल के बारे में, अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जरूर हम वीडियो बना के उनको जानकारी देंगे। तो अगर आप भी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके छठी मैया का नाम टाइप कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।